नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका हीरा, वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक, आहार विशेषज्ञ। आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक में आप सबका स्वागत करती हूँ। इंटरेस्टिंग टॉपिक कैसे है, क्योंकि आज हम सीखेंगे अपनी इम्यूनिटी को अपने विंटर्स में जिस तरह हमारा माहौल चल रहा है उसमें किस तरह से एनहेंस करें, किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उन्हीं चीज़ों को यूज़ किया जाए जो हमारे घर में अवेलेबल है, और घर में अवेलेबल चीज़ों के साथ किस तरह इम्यूनिटी बढ़ाएंगे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। और इम्यूनिटी बढ़ाना क्यों ज़रूरी है, उसका रीज़न लास्ट 2 ईयर से हम सब जान चुके हैं कि जिस तरह कोविड का प्रकोप चल रहा है हमारे चारों तरफ, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी खुद की इम्यूनिटी को, अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाना। तो सबसे फर्स्ट उसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ज़रूरी है पानी का भरपूर सेवन। अपने आप को किसी भी तरह से बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दें। अगर आपने वैक्सीन भी लगाई है तब भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डिहाइड्रेट नहीं होना। और डिहाइड्रेट का कैसे पता चलता है, जब आप रात को उठते हैं और आपको फील होता है कि मेरा गला सूख रहा है और आप पानी पीते हो तो इट मीन्स आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है। तो उसको हाइड्रेट करने के लिए उसकी क्वांटिटी पूरे दिन में आपको कवर करनी है, और पानी की जो बेसिकली रेशो है पानी ही कवर कर सकता है और कोई नहीं। उसके अलावा ज़रूरी है कुछ सलाद, पर्टिकुलर सलाद में आप क्या खा सकते हैं वो ज़रूरी है। उसमें आप शलगम का प्रयोग करें, शलगम आपके लिए बहुत बेस्ट है। RBCs को भी बढ़ाएगी, WBCs को बढ़ाती है, और आपके प्लेटलेट्स को भी इंक्रीज करने में बहुत हेल्पफुल है। तो आप शलगम का कोशिश करें कच्चा खाएं, रैदर कि आप उसको सलाद भरते के फॉर्म में या फिर आप उसकी अदर किसी कुक्ड वेजिटेबल में यूज़ करें, आप उसे कच्चा ही खाने की कोशिश करें। बहुत टेस्टी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं खाया जाता, इट्स वेरी इजी टू ईट। उसके अलावा आप अपने कुछ पर्टिकुलर नट्स आपका वॉलनट, उसको ओवरनाइट सोक करके 2 वॉलनट का प्रयोग जरूर करें। ये आपकी बॉडी में ओमेगास भी लेकर आएगा, आपका बी कॉम्प्लेक्स का रेशो कवर करेगा और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा जितने भी हमारे नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उन्हें भिगो के ही खाएं। इस टाइम पे आप किशमिश भिगो के खाएं, अंजीर भिगो के खाएं, वो आपके लिए बेहतर है। बट एक समय में दोनों में से सिर्फ एक चीज़ खाएं, या तो किशमिश या मुनक्का या फिर अंजीर, तीनों का प्रयोग एक साथ ना करें। उसके अलावा आपके लिए और ज़रूरी है, इस टाइम पे बहुत अच्छा आ रहा है हमारे पास ग्रीन ग्रीन कलर का बहुत गोल गोल क्या है, आंवला। और आंवले का प्रयोग हमारी इम्यूनिटी में विटामिन सी भी बढ़ाएगा। इम्यूनिटी एनहांस के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, विटामिन सी। तो विटामिन सी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है आंवला, बट आंवला हमें मुरब्बे की फॉर्म में या कैंडी की फॉर्म में नहीं लेना है, हमें आंवला लेना है नेचुरल फॉर्म में। या तो आप आंवले का फ्रेश जूस लीजिए या फिर आंवले को डायरेक्ट आप सलाद में इंटेक कीजिए। उसके अलावा किसी भी फॉर्म में अगर आप इंटेक करते हैं तो उसकी जितनी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है कम हो जाती है। आप चीनी में डालेंगे या नमक में डालेंगे, दोनों ही उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को कट कर देता है। तो और हमें इम्यूनिटी को बढ़ाना है, घटाना तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही हमें कोई और बीमारी अपने पास लानी है, तो ज़रूरी है आंवले का डायरेक्ट प्रयोग करना। उसके अलावा नेक्स्ट आपका जो है वो बेहतर है इस सीज़न में आपका चुकंदर। एंड गाइस, चुकंदर जो है वो इसी सीज़न में आता है। चुकंदर खाइए, आंवले के साथ खाइए, रैदर कि आप चुकंदर को अपना गाजर के जूस में मिक्स करके लें, आप डायरेक्ट चुकंदर को खाइए सलाद के फॉर्म में। कभी भी लीजिए दिन में, सुबह शाम, जब आपके लिए कंफर्टेबल हो, बट कोई भी ले सकता है इसको, किसी भी एज ग्रुप में ले सकता है। आपके RBC, WBC और आपके प्लेटलेट्स, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में चुकंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके अलावा हमारे पास इस टाइम बहुत तरह की फली अवेलेबल है ग्रीन कलर की, तो फलियों का प्रयोग जो है अपना रूटीन में, अपनी वेजिटेबल में कीजिए। आप फ्रेश अपना जूस सूप बनाते हैं, वेजिटेबल सूप बनाते हैं, उसमें आप फलियों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा आपका जो फ्रेश जूस है गाजर का, आप वो इनटेक कीजिए, उसमें आप आंवला डाल सकते हैं डायरेक्ट, बट उसके अलावा और कुछ नहीं डालना, ना ही नमक, ना ही कोई फ्लेवर वाली चीज़, जिससे आपकी इम्यूनिटी घर में ही बहुत अच्छे से बन सकती है अच्छी, और आप हो सकते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, और आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो सकता है इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ। तो इन्हीं के साथ आप इन्हें रूटीन में अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए ताकि आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहे। थैंक यू।